हेलो बच्चों हम लोगों ने सेकंड सेट पेपर का फर्स्ट पार्ट किया था और आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसका फिर सेकंड सेट पेपर खत्म हो जाएगा फिर मैं थर्ड सेट पेपर शुरू कराऊंगा और हो सकता है आज ही थर्ड सेट पेपर भी शुरू करा दूं तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव तक कर चुके थे और ट्वेंटी सिक्स है वट इज द होमोलॉज सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड बच्चों होमोलॉजस्ट सीरीज जो होते हैं मैंने आपको बता रखा है वो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों होते हैं एलकेन, एलकीन और एलकाइन, तीनों होते हैं। अगर मैं इसके फॉर्म लिखूं, देखो सी एच फोर सी टू एच सी थ्री एच एट ठीक है या चलो टू से शुरू करते हैं फोर एच टेन इसका सी टू एच फोर सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच एट और इसका होगा C2H2, C3H4, C4H6. तो इतने हैं अब अगर हम देखें तो देखो हर किसी में एक C का गैप है इसके अगले वाले में एक C का और दो H का गैप है देख रहे हो? एक C का गैप दो H का गैप एक C का गैप दो H का गैप, गैप, गैप. है कि नहीं है तो बच्चों, जब ये सारी बातें जब सारी बातें मुझे शो हो रही हैं, कि इन सभी में सी एच टू का अंतर है मतलब एक सी और दो एच का डिफरेंस है और इनका मास कितना होता है सी का बारह प्लस हाइड्रोजन का एक लेकिन दो होते हैं दो इसके नीचे लगा हुआ है तो प्लस दो और 14 U. तो प्लस और मतलब मास का डिफरेंस क्या हुआ फोर्टीन यू और मॉलिक्यूल का डिफरेंस कितना हुआ एक सी और दो एच एक सी और दो एच तो हमने देखा कि बच्चों होमोलॉज सीरीज के अंदर होमोलॉजस सीरीज के अंदर एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों तीनों के तीनों सीरीज में आते हैं कार्बन के क्यों क्योंकि इन सभी में मोलिकुलर फॉर्मूले का गैप सेम है और मोलिकुलर मास का भी गैप सेम है ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी तो कह रहा है दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला बता ही दिया मास सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी अगला

इसमें कहने का मतलब यही है कि जो वेस्ट होता है उसे बाहर कर देता है अपने एक्सेस वाटर को भी बाहर कर देता है जो भी मिनरल्स वगैरह उसे प्लांट तक पहुंचाना होता है वो पहुंचा देता है सॉइल से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ले जाके कि किसको देता है भाई ले लेके जाता है और प्लांट को ट्रांसफर कर देता है तो यही सारी बात है अगला ट्रांसलोकेशन बच्चों तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है जब कोई फूड जब कोई फूड एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाए उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं और ट्रांसलोकेशन करता कौन है फ्लोएम करता है जैसे लीफ ने ग्लूकोज बनाया अब उस ग्लूकोज को मान लो किसी और प्लांट के यानी प्लांट के किसी और हिस्से को जरूरत है तो लीव से ग्लूकोज उठाएगा और ले जाके उसको दे देगा तो बच्चों इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन जब फूड जब फूड पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाए तो उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है देखो इसमें लिखा भी है ट्रांसलोकेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोर्ट

कारपेल क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूं सॉरी हां जी बच्चों देखना ध्यान से देखना पहले आपके सामने में एक फ्लावर बना रहा हूं ठीक है ये देखो बच्चों इस तरीके से होता है बच्चों ठीक है ये आपके सामने एक मैंने फ्लावर बना दिया बच्चों ये पार्ट पूरा देख रहे हो ये इसका मेल पार्ट है और ये पूरा आप देख रहे हो ये पूरा फीमेल पार्ट है ठीक है बच्चों मेल पार्ट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है क्या भाई एंथर क्या नाम होता है एंथर और मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन फीमेल पार्ट को बोलते हैं कारपेल ठीक है एंथर अब बच्चों ये जो एंथर होता है ना इस एंथर के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं रेड कलर के भाई केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों और बच्चों ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये असल में होता है क्या होते हैं ये असल में मेल गैम होते हैं मेल गैम ठीक है मेल गैमेट्स मतलब बच्चों, नर युग्मक, नर युग्मक मतलब बच्चों जिससे मेल और फीमेल के गैमिट्स के मिलने से नए सीड्स का जन्म होता है ठीक है अभी देखो मैं बताता हूं ये एंथर एंथर यानी हिंदी में पुंकेसर और पोलन ग्रेन को प्राग कर्ण प्राग ठीक है और ये मेल गैमेट्स होते हैं नर होते हैं अब होता पता है क्या है अब देखो मैं आपको बताता हूं ये ऊपर वाला पार्ट हो जो होता है ना ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं स्टिग्मा ये बीच में पाइप है ना इसको कहते हैं स्टाइल और इसे कहते हैं ओवेरी और इसको कहते हैं एग इसे क्या कहते हैं एग ठीक है ध्यान से देखना जो जो समझा रहा हूं मैं अब मान लो इस इस पे, इस एंथर पे एंथर कोई भी मक्खी मधुमक्खी या हवा चल गई या पानी पड़ गया कुछ भी हो गया किसी भी कंडीशन से पानी पड़ने से हवा चलने से किसी मक्खी, मधुमक्खी के बैठने से यहां पे जैसे ही कोई मान लीजिए ये मक्खी है ये बैठ गई ठीक है ये मक्खी बैठ गई और मक्खी के बैठने से पोलन ग्रीन इसके पैर में चिपक जाएंगे अब शहद इकट्ठा करने के लिए ना उसको स्टिग्मा पर आना पड़ता है शहद इकट्ठे करने के लिए स्टिग्मा पर आना पड़ता है मान लो ये शहद इकट्ठा करने के लिए उड़ के इसके ऊपर आई भाई ये ठीक है तो होता क्या है ये कार्पेल जो होता है ना ये एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का तो जैसे ही पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके चिपकते हैं किसके किस किस के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा या विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा किसी के द्वारा भी भाई ये पोलन ग्रेन उड़कर इसके ऊपर आ सकते हैं तो होगा क्या जैसे इसके ऊपर आ जाएंगे तो भाई पोलन ग्रेन जैसे इसके ऊपर आता है किसके ऊपर स्टिग्मा कि एंट्री, तो एंट्री खोल देते, हैं। एंट्री खोल देते हैं मतलब रास्ता बना देते हैं कहां से होते हुए स्टाइल से होते हुए स्टाइल से होते हुए ये रास्ता बना देते हैं ऐसे रास्ता बना दिया अब पोलन ग्रेन क्या करेगा धीरे धीरे इसके अंदर एंट्री करता चला जाएगा थ्रू स्टाइल थ्रू द स्टाइल एंट्री करता चला जाएगा और आके इसे ब्रेक करेगा और एग के साथ मिल जाएगा तो एग के साथ जब पोलन ग्रेन मिला पोलन ग्रेन मिला तो पोलन ग्रेन मिलते ही ये क्या करेंगे एक सीड बनाएंगे बीज बनाएंगे ठीक है और उसी बीज से हमारे पास नए फ्लावर्स या फ्रूट्स आ जाते हैं बच्चों ठीक है तो ये पूरी कहानी है किसकी आपके भाई फीमेल पार्ट की तो इसमें आपको बोला था व्हाट इज द कार्पेल तो हम कहेंगे कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है व्हिच हैव स्वेलन पार्ट ऑफ द ओवेरी ठीक है स्टिग्मा एंड स्टाइल ठीक है अगला बोलेंगे किसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है पोलन ग्रेन को रिसीव करना और स्टाइल से होते हुए एग के साथ फर्टिलाइज कराना और नए सीड्स बनाना ठीक है तो यहां लिखा है रिसीव पोलन ग्रेन एक्ट एज अ पैसेज फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब मतलब ये पॉलन ट्यूब के लिए ग्रोथ का काम ओवेरी का काम है कि ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर तो, मतलब तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ओजोन क्या करता है हमें हार्मफुल फुल से हार्मफुल रेज से बचाता है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वो सन के अंदर होती है जो हमारे क्या भाई ओजोन लेयर से टकरा के ओज... ये अल्ट्रा वायलेट पीछे चली जाती है और प्योर सनलाइट जो है जिसकी हमें जरूरत है वो हमारे पास आती है तो पहला काम है कि ओजोन ले... जो लेयर जो है वो हमें खतरनाक हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है ठीक है अब ये बनता कैसे है मैंने बता दिया है कि O2 स्प्लिट होता है तो ओ प्लस बनता है और जब ओ में ही ओ एड होता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों ओ बन जाता है ठीक है अच्छा मतलब ये किसकी वजह से खराब हो रहा है ओजोन लेयर किसकी वजह से पतली होती जा रही है तो इसका रीजन है भाई क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ठीक है जो पहले के टाइम पे एसी में फ्रिज में इन सब में यूज किया जाता था आज के जो नए फ्रिज एसी वगैरह आ रहे हैं ना उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं होती है उनमें नई अलग तरह की गैस होती है ठीक है तो वो क्या करती हैं भाई वो गैसे इतना हमारे ओजोन को इतना फर्क नहीं डालती लेकिन जो पहले के टाइम पे थी वो बहुत फर्क डालती थी इस वजह से सरकार ने इसे बैन कर दिया हर देश की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया अगला है सेक्शन सी हाइपरमेट्रोपिया का केस क्या होता है तो आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया केस होता है कि जब इमेज रेटिना के पीछे बनने लगे इमेज क्या बनने लगे रेटिना के पीछे बनने लगे तो उसे हम हाइपरमेट्रोपिया hyper, का केस कहते हैं एक न्यूमेरिकल है बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं न्यूमेरिकल क्या है क्या सर्किट है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है थर्टी वोल्ट अच्छा पहले से ही दे रखा है सारा क्वेश्चन पहले से ही दे रखा है एक मिनट बच्चों ये मिटाने दो ये उतार लो उतारना चाहो तो नोट कर लो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसे हाँ जी देखो आपसे कह रहा है कि एक सर्किट है और ये 30 वोल्ट की बैटरी है और ये की हो गई ठीक है अब इसने क्या बोला आपसे इसने बोला कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट 15 ओम रेजिस्टर भाई हमें 15 ओम रेजिस्टर वाले से काम लेना है किससे काम लेना है 15 ओम रेजिस्टर वाले से काम लेना है चलिए कह रहा हमें यह दे रखा है पांच ओम ये दस ओम ये पंद्रह ओम पहली बात पहली बात कह रहा है पहली कंडीशन में कह रहा है कि तीनों को यूज करके करंट बताओ तो ठीक है जी तीनों को यूज करके पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो क्या होगा पांच प्लस दस प्लस पंद्रह क्यों डायरेक्ट ऐड कर दिया क्योंकि तीनों सीरीज में है तो पंद्रह पांच बीस और यह तीस तीस ओम तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस तो कितना आ गया 30 Now, by ohms low. Ohms low में क्या कह रहा है देखेंगे तो इसका मतलब यह आया बच्चों कि I इज इक्वल टू वन एम्पियर जब तीनों को लेंगे Now, ठीक है यूजिंग 15 ओम रजिस्टर मान लो हमने सिर्फ 15 ओम रेजिस्टर को यूज किया तो कितना होगा तो V इज इक्वल टू आई आर थ्री थ्री तो I की वैल्यू निकालनी है नई I निकालना है ठीक है तो तो सबके लिए फिक्स होगा पता ही है मैंने बता रखा है कि I और R का जब भी रिलेशन होता है तो V कॉन्स्टेंट होता है 30, R कितना है? 15 कट गया तो यानी कि 2 एम्पियर I1 कितना आ गया 2 एम्पियर कोई दिक्कत टाफट नोट कर लो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालो इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है हां जी अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बच्चों ये बता दो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 तो I फिक्स होता है पता है ना फिर आई फिक्स होता है और वो भी निकालना किसके थ्रू है पंद्रह ओम के थ्रू तो बस V1 कितना है नहीं पता आई आई तो सबके लिए क्या रहेगा वन एम्पेयर और ये कितना पंद्रह ओम तो V1 यानी पंद्रह वोल्ट करो अगर आपको अपने बेसिक्स याद हैं तो आराम से हो जाएंगे सारी चीजें बेसिक्स में मैंने सारा पढ़ा दिया आपको देखो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है वही वाला कि कि से बताओ रेसिप्रोकल ही क्यों होता है उसका सम अच्छा एक इसका इक्विवेलेंट वैलेंट निकालने के लिए बोल रहा है इसे नोट करो फिर एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपने नोट कर लिया होगा एक क्वेश्चन और देखो हाँ जी अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर वही ऐसा उसी का और पार्ट है दस ओम बीस ओम बीस ओम ए से करंट गया है बी की तरफ कह रहा है इक्वी वैलेंट निकालो टोटल रेजिस्टेंस निकालो

तो ये दोनों बच्चों पैरल है ना तो पैरल का सॉल्यूशन तो ऐसे निकलता है अपॉन में करके तो R2 कितना है 20, R3 कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20, 20, 20, क्योंकि जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 2, 10, कट गया 1 अपॉन टेन और 1 अपॉन आर फोर. इसको ही पलट दो इसको ही पलट दो R4 फोर बराबर टेन ओम तो यानी अब नई फिगर क्या बनेगी जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो नई फिगर बनेगी भाई इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया है एक कर दिया है। A, B, ठीक है? ठीक सोल्व हो गए क्या बन गया दस ओम नाउ नाउ अब क्या करे बच्चों? अब क्या करे जल्दी बता दो तो अब हमें करना है ये कि बच्चों इनका इक्विवेलेंट निकालना रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू दस प्लस दस दस और दस बीस ओम तो यानी आर ई e क्यू बराबर कितना आ गया बीस ओम तो यानी हमारा टोटल आंसर कितना आया बच्चों बीस ओम आया इसे निकाल लो फटाफट चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हां जी बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एक प्रैक्टिकल है तो ये तो आराम से कर सकते हो आप राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या राइट हैंड थंब रूल को जैसे क्या कि भाई आपका ये राइट right हैंड है तो ये अगर ऊपर जा रहा है ठीक है चलो मैं समझाई देता हूँ प्रैक्टिकल आप पढ़ लेना बाकी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है मान लीजिए वायर है करंट गया क्या क्या है Downward, ये क्या है डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जा रहा करंट तो ध्यान से देखिएगा आपका सीधा हाथ है आप इसको ऐसे रखिए अंगूठा मतलब ऊपर करंट जा रहा है और आपके जो हाथ है आपका जो हाथ है वो ऐसे घूम रहा है आप अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ठीक है मीन्स ऐसे घूम रहा होगा मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ऐसे घूम रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ क्लॉक उल्टा चल रहा है तो यानी जब भी करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी फील्ड, क्लॉकवाइज कैसे चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज लेकिन अगर करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है तो आप लोग भी ट्राई करके देखें अपने हाथ को ये आपका सीधा हाथ है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड अब अपने हाथ को देखो ऐसे घूम रहा उल्टा मतलब किस तरफ घड़ी की तरफ किस तरफ घड़ी की तरफ ऐसे घड़ी की तरफ आ रहा है ठीक है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी इसकी वो कैसी होंगी क्लॉकवाइज होंगी कैसी होंगी क्लॉकवाइज होंगी तो यही इसमें समझाना इस प्रैक्टिकल में ठीक है अगला अगला कि लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशंस व्हिच पोस्ड अ चैलेंज टू मेंडली पीरियोडिक लॉ हाउ डज द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल फ्रॉम टॉप तो चलो भाई लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेंडली पीरियड टेबल तो देखिए लिखेंगे जरा पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यानी क्या भाई उसने बोला है कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की तीन कमी बताओ तो बच्चों देखो

तो कह रहा हाउ डज मेटलिक करेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पिरोडिक टेबल भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं ठीक है फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टॉप टू टू बॉटम बॉटम इन ग्रुप ऑफ मॉडर्न टेबल भाई तो top to bottom जाने पर क्या होता है बच्चों टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप टू बॉटम जाने पे बच्चों हमेशा मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाता था इंक्रीज हो जाता था आगे देखो एक क्वेश्चन और भी पूछा इसी में चलो ये मैं मिटाता हूँ फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ आज खत्म हो जाएगा ये सेट पेपर फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कल आप लोगों के लिए एक नया सेट पेपर हाजिर रहेगा कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम एटम्स ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी डी लो जी बच्चों ए बी सी डी ये चार हमारे पास एलिमेंट हैं कह रहा है जिनके डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री सेल्स हाँ भाई इनके आउटर मोस्ट सेल आउटर एक काम करो ना इसको थोड़ा खिसका के लिख लो A, B, C, D. कह रहा है इसके सेल है ना यानी इनके जो बाहर के सेल है बाहर की कक्षाएं हैं उसमें मतलब कितने हैं एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ लिख लो इलेक्ट्रॉन्स एक है तीन है पांच है सात है अब कह रहा है राइट द ग्रुप नंबर इन विच दीज आर प्लेस इन द टेबल हां जी तो कह रहा बताओ इनके ग्रुप नंबर क्या है इनके ग्रुप नंबर लिख के दिखाओ तो बच्चों देखो जिसके सेल में जिसके लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो उसका ग्रुप होता है फर्स्ट जिसके तीन हो उसका ग्रुप होता है थर्ड ठीक है नहीं थर्ड नहीं होता सॉरी 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 बच्चो थर्ड नहीं होगा थर्टींथ होगा क्या होगा थर्टींथ जिसका फाइव होगा जिसका क्या होगा बच्चों? फाइव होगा तो उसका होगा बच्चों फिफ्टीन उसका क्या होगा फिफ्टीन और जिसका सात होगा उसका होगा सेवनटीन ठीक है अगला क्या बोल रहा है अगला बोल रहा है हाँ जी कह रहा बी और डी का क्या बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बी का तो बच्चों बी 13वें ग्रुप से है बी किस कौन से ग्रुप से है 13वें ग्रुप से है तो 13वें ग्रुप से तो 13वें ग्रुप को खोल दो ए 2 8 और 3 उसके बाद किसका बोला उसने उसके बाद बोला डी का तो भाई डी कौन से ग्रुप से है 17 तो 17th को भी खोल दो 2 8 और 7 अगला कह रहा है कि बी की वैलेंसी कितनी हो सकती है वैलेंसी वैलेंसी बोले तो संयोजकता संयोजकता, हाँ जी कितनी हो सकती है तो याद रखना बच्चों मैंने क्या बताया था जिसके लास्ट में एक दो और तीन आए उसका चार्ज प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री होता है और जिसके लास्ट में पांच छे और सात आए उसका चार्ज माइनस तीन माइनस दो और माइनस एक होता है क्योंकि आठ बनाना होता है तो बस हां जी अब जल्दी बता दो किस किसकी पूछी उसने बी की तो बी के लास्ट में क्या है तीन तो इसकी संयोजकता यानी होगी प्लस थ्री और किसकी पूछिए डी की हाँ जी, तो डी कितना है सत्रह डी का कितना है तो लास्ट में है तो वन। इसकी क्या ठीक है जी लो बी का चार्ज कितना है प्लस थ्री और डी का चार्ज कितना है माइनस वन तो एक इसके नीचे तीन इसके नीचे तो क्या बनेगा बी डी थ्री क्या आएगा बी डी थ्री चार नंबर का क्वेश्चन है इजी सा है ठीक है जी नोट कर लो इसे फटाफट कर लो नोट कर लिया चलो आगे देखते हैं आगे कह रहा है वाई इज यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट नेम द ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन भाई आयोडीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं क्योंकि बच्चों आयोडीन का खाने में इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे थायराइड होता है और थायराइड तभी काम करता है जब उसे आयोडीन की प्रेजेंस मिलती है क्यों क्योंकि वो आयोडीन के प्रेजेंस में ही हार्मोन है और अगर आयोडीन नहीं जाएगा तो हार्मोन नहीं मिलेगा और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो थायरॉयड नाम की बीमारी थायरॉयड वाली बीमारियां हो सकती है जिसे हम लोग गोइटर भी कहते हैं क्या कहते हैं गोइटर भी कहते हैं तो बस यही सब चीजें लिखनी है ठीक है ठीक हो गया ये इजी सा है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स लास्ट क्वेश्चन खत्म कह रहा आर द स्ट्रक्चर बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो structure होता है जब हमारे हाथ पैर के स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन काम करने का तरीका क्या हो अलग अलग हो homologous का क्या हो भाई काम यानी दिखने में एक जैसे हो लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग हो जैसे मेंढक का हाथ आगे वाला हमारा हाथ ठीक है पक्षी का हाथ और क्या भाई इंसान का हाथ ठीक है इन चार हाथों को ले लेते हैं इंसान का हाथ पक्षी का हाथ ठीक है और यानी पक्षी का हाथ मतलब पंख और मेंढक का हाथ ठीक है इन सबके हाथ क्या है सब एक जैसे लगते हैं ऑलमोस्ट दिखने में एक बाजू है एक ये क्या नाम है फोर आर्म्स हैं और फिर उसके बाद पंजा होता है सबके पास होता है लेकिन सबका काम अलग अलग है सबके पास क्या है काम अलग अलग है ठीक है हम ग्रिप करने के लिए करते हैं फ्रॉग तैरने के लिए करता है बर्ड अपने आप को लिफ्ट करने के लिए करती है तो सबका काम क्या है अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो उसे होमोलोजस ऑर्गन कहते हैं अगला भाई सेक्स रेशो बताइए ये बात आपको बताइए इसमें कोई नई चीज है नहीं और ये आपने पहले पढ़ भी रखा है ठीक है ये मैं मिटा देता हूं ये उतार लिया होगा आपने ठीक है तो लास्ट है भाई मेल मेल के अंदर कौन से गैमेट होते होते हैं हैं यानी जीन है, सॉरी फीमेल के अंदर कौन से जीन होते हैं एक्स एक्स ठीक है तो इसका एक्स और इसका वाई इन दोनों का एक्स एक्स तो यानी एक्स 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 वाई एक्स वाई इसका मतलब क्या देखा हमने हमने देखा कि पूरी तरीके से मेल पे ये रेशो बिल्कुल क्या है सेम है तो भाई किसी भी इंसान से लड़की का जन्म हो रहा है या लड़के का जन्म हो रहा है ये सारी बातें डिपेंड करती है किसके ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती है मेल के ऊपर क्यों क्योंकि अगर मेल का एक्स क्रोमोजोम जाएगा तो भैया फीमेल में तो है ही एक्स फीमेल में तो है ही एक्स वो तो भाई एक्स के सिवा कुछ है ही नहीं उसके पास तो चाहे इस वाले एक्स से मिले, मिले कौन मेल का एक्स हर हाल में क्या होगी लड़की लेकिन अगर मेल का वाई मिलता है तो भाई हर हाल में क्या होगा लड़का तो इस तरीके से बच्चों ये सारे की सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं मेल के ऊपर डिपेंड करती हैं और लड़का और लड़की दोनों होने के चांसेस क्या क्या होते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं मीन रेसो वन परसेंटेज की बात करें तो फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका जो सेकंड सेट पेपर का सेकंड सेट पेपर का लास्ट क्लास खत्म हो गई है ठीक है मैं नेक्स्ट यानी कल की क्लास में आपको थर्ड सेट पेपर शुरू करवाऊंगा और उसकी रिवीजन करेंगे हम लोग ठीक है तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं